नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों इस साल के करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट 500 हंड्रेड क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है और ये इस क्वेश्चन सीरीज का पहला पार्ट है देखिए दोस्तों ये जो 500 हंड्रेड क्वेश्चन रहेंगे ना ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और हम सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आप क्वेश्चन तो एक पढ़ें लेकिन एक क्वेश्चन से कई फैक्टों को समझ सकें एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप क्वेश्चन को सही करके आ सकें तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार तीसरी बार पहले से किसी क्वेश्चन तो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। उसके बाद क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी तो देखिए दोस्तों दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार तीसरी बार फिनलैंड देश पहले स्थान पर रहा है तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है फिनलैंड जो है ये रहा है पहले स्थान पर और जो डेनमार्क है ये रहा है दूसरे स्थान पर और जो स्विट्जरलैंड है ये रहा है तीसरे स्थान पर ठीक है और ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ये एक सौ देशों पर सर्वे के बाद बनाया गया है ठीक है एक सौ तिरपन देशों पर सर्वे किया गया फिर ये हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया गया और यदि हम बात करें अपने देश भारत की कि अपने देश भारत को कौन सा स्थान मिला है तो अपने देश भारत को मिला है एक सौ स्थान ठीक है ये फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपने देश भारत को एक सौ स्थान मिला है और जब 2019 में ये सर्वे किया गया था और जब ये इंडेक्स जारी किया गया था तब अपने देश को कौन सा स्थान मिला था तब अपने देश को मिला था एक सौ स्थान ठीक है तो दो में अपने देश को मिला था एक सौ स्थान और 2020 में हैप्पीनेस इंडेक्स में अपने देश भारत को मिला है एक सौ है ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है और सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं नंबर सेकंड क्वेश्चन है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 तो इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है तो देखो दोस्तों वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत रहा है एट्टी नाइन स्थान पर तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए ये जो इंडेक्स है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट या फिर वैश्विक जोखिम इंडेक्स है ये भूकंप बाढ़ सूखा समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं के वैश्विक जोखिम के आकलन की गणना करता है ठीक है यदि हम बात करें कि इसमें टॉप थ्री कौन कौन से देश हैं तो इसमें पहले स्थान पर है वनु आटू देश ठीक है पहले स्थान पर कौन सा देश है वनु आटू देश और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है तो दूसरे स्थान पर है टोंगा देश और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है तो डोमिनिका जो है ये तीसरे स्थान पर है ठीक है तो ये तीन टॉप देश आपको याद रखना है और देखिए दोस्तों ये जो बैश्विक जोखिम रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है तो ये जारी की जाती है डब्ल्यू ई एफ के द्वारा ठीक है डब्ल्यू ई एप ये क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ठीक है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ इसको शॉर्ट में कहा जाता है ए आई एफ एफ तो ए आई एफ एफ के प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं तो देखो दोस्तों ए आई एफ एफ के प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं दो लोग एक तो बने हैं गुरप्रीत सिंह संधु और दूसरे बने हैं संजू तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरियुक्त तो दोनों ठीक है और देखो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है ए आई एफ एफ की तो इसका फॉर्म क्या होता है इसका फॉर्म होता है आल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ठीक है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ इसको हिंदी में बोलते हैं यदि हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1937 में 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और हेड क्वार्टर कहाँ पर है तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर स्थित है यदि प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन पूछे कि प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है तो आप कहेंगे प्रफुल्ल पटेल ठीक है प्रफुल्ल पटेल जो हैं ये वर्तमान में ए के चेयरमैन है ठीक है तो ये सारी बातें आपको याद रखना है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर चार क्वेश्चन है राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं तो राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं उनका नाम है शिवांगी सिंह तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा और ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे ये शिवांगी सिंह की फोटोज है ठीक है और जब कोई महिला या कोई पुरुष है या कोई फेमस पर्सनालिटी है कोई ऐसा आद्वितीय काम करती है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं ठीक है थीके? तो ये जो शिवांगी सिंह हैं ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिलोंग करती हैं ठीक है थीके? और देखो दोस्तों यहाँ पर बात हुई थी राफेल विमान की तो राफेल विमान हमने किस देश से खरीदे हैं तो राफेल विमान भारत ने फ्रांस देश से खरीदे हैं ठीक है थीके? और जो राफेल विमान है इसको किस कंपनी ने डेवलप किया ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक कंपनी है दी साल्ट एविएशन कंपनी दी साल्ट एविएशन एक कंपनी है इसी ने जो है राफेल विमान को डेवलप किया है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर पाँच क्वेश्चन है एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसिडर कौन बने हैं तो देखिए दोस्तों एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसिडर बने हैं सोनू सूद तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा और देखिए दोस्तों जो एसर इंडिया है ये कंप्यूटर एवं कंप्यूटर का सामान बनाती है ठीक है हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की इसकी स्थापना कब की गई थी उन्नीस में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है तो न्यू तापी सिटी ताइवान में इसका हेड क्वार्टर स्थित है कहाँ पर ताइवान में इसका क्वार्टर स्थित है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं सोनू सूद बन गए हैं तो सोनू सूद के बारे में सभी लोग जानते होंगे ये बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं और ये मैक्सिमम मूवी में जो है विलन का रोल प्ले करते हैं लेकिन रियल लाइफ में इन्होंने हीरो का काम किया है जैसे अभी आप लोग जानते हैं लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे तो सोनू सूद ने जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प की है इसीलिए चर्चाओं में रहे हैं और उनको जो है कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है ठीक है तो मैं ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ उसमें आप पता कर सकते हैं वो वीडियो देख के कि कौन सा एक्टर या फिर कौन सा फेमस पर्सनालिटी किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर छह क्वेश्चन है अगस्त 2020 में यूपीएससी का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है तो अगस्त 2020 में यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे ये प्रदीप कुमार जोशी की फोटो है ठीक है और देखो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है यूपीएससी की ठीक है तो जो यूपीएससी है ये क्या है एक संविधानिक संस्था है संविधानिक संस्था से क्या मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं संविधान में उल्लेख किया गया है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो यूपीएससी है इसका किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है तो आप कहेंगे अनुच्छेद तीन में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है ठीक है जो यूपीएससी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में इसको कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी एक अक्टूबर 1926 को और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है तो इसका हेड क्वार्टर जो है ये दिल्ली में स्थित है ठीक है देखिए दोस्तों जब मैं इस प्रकार का कोई क्वेश्चन लाता हूँ उसकी डिटेल में लिख देता हूँ तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें कि यूपीएससी क्या है ठीक है इसके अध्यक्ष कौन है और ये डिटेल भी नीचे लिखी हुई है ठीक है तो आपको क्या होगा कि जब भी आप कभी स्क्रीनशॉट देखेंगे या फिर रिवीजन करने की कोशिश करेंगे तो वो सारी की सारी चीजें एक बार आपके रिवाइज हो जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर सात क्वेश्चन है किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के लिए पाटा ग्रैंड 2020 दिया गया है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए मैं आपको बता दूं जो केरल राज्य है ठीक है तो केरल राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है ठीक है उस अभियान का क्या नाम है उस अभियान का नाम है ह्यूमन बाय नेचर ठीक है ह्यूमन बाय नेचर जो है उस अभियान का नाम है और ये केरल राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है और इस अभियान के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 दिया गया है ठीक है इतने फैक्ट आपको याद रखना है अब ये अभियान जो है केरल की के पर्यटन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है तो केरल की राजधानी क्या है तिरुअनंतपुरम जो है ये केरल की राजधानी है वर्तमान में केरल के सी एम कौन है तो पिनराई विजयम जो है ये वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में राज्यपाल कौन है केरल के तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ये केरल के राज्यपाल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर आठ क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया है तो देखिए दोस्तों ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा ऑपरेशन दुराचारी का मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध को रोकना है और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बहुत ही ज्यादा अपराध होते हैं तो इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं ऑपरेशन दुराचारी किसने शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है ठीक है अब ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है लखनऊ ठीक है और लखनऊ से एक फैक्ट पूछा जाता है कि लखनऊ जो है इसको नवाबों का शहर कहा जाता है ठीक है नवाबों का शहर किसको कहा जाता है तो लखनऊ को कहा जाता है और लखनऊ किस शहर के किनारे स्थित है तो आप कहेंगे जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है और यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं सभी लोग जानते होंगे और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है तो आनंदीबेन पटेल जो हैं ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर नौ क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल में सबसे तेज दो रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं के राहुल तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों एक टर्म यूज हुआ था आईपीएल तो आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है इंडियन प्रीमियर लीग जो है इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है और सबसे पहला आईपीएल का जो संस्करण है ये कब खेला गया था तो आईपीएल का पहला संस्करण खेला गया था 2008 में ठीक है और 2013 में आईपीएल का कौन सा संस्करण हो रहा है तो आप कहेंगे जो दो में आई का संस्करण हो रहा है ये हो रहा है तेरहवे नंबर का संस्करण ठीक है और ये जो संस्करण हो रहा है 2020 में इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है या फिर ये किस देश में खेले जा रहे हैं आई तो आप कहेंगे यू देश में खेले जा रहे हैं ठीक है तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है आई पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो उसको आप जरूर देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर दस क्वेश्चन है हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है ये इनकी फोटो है फोटो देखकर आप आंसर लगा सकते हैं किसकी फोटो है ये बिमल जुलखा की फोटो है तो मुख्य सूचना आयुक्त तो नियुक्त किया गया है बिमल जुलखा को सी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये कौन से नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं तो ये दसवें के मुख्य सूचना आयुक्त हैं ठीक है और इनकी नियुक्ति कब की गई थी तो इनकी नियुक्ति की गई थी मार्च 2020 में और देखो दोस्तों जो मुख्य सूचना आयुक्त है ये कौन होता है तो जो सूचना आयोग होता है उसका प्रमुख अधिकारी कहलाता है मुख्य सूचना आयुक्त ठीक है और ये जो बिमल जुल हैं ये मध्य प्रदेश कैडर के 1979 सेवनटी नाइन बैच के सेवानिवृत्त आई अधिकारी हैं किस बैच के हैं ये 1979 के आ, सेवानिवृत्त आई एस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश कैडर के नेक्स्ट नंबर ग्यारह क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया है तो देखो दोस्तों यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए दोस्तों इसको मुख्य रूप से छात्रों के लिए शुरू किया गया है इसके माध्यम से जो छात्र हैं वो लर्निंग कैरियर और राज्य में रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर बारह क्वेश्चन है किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है इसने पहली बार 2020 में अंडर 19 विश्व कप जीता है ठीक है पहली बार इसने जीता है इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नंबर तेरह क्वेश्चन है भारत के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान का आयोजन फरवरी 2020 में किया गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है मैं आपको बता दूं जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान है इसके बारे में आपको डिटेल ही बता देता हूं इसकी शुरुआत कब हो गई हुई थी तो इस अभियान की शुरुआत हुई थी इकतीस अक्टूबर दो को कब इकतीस अक्टूबर दो को इस अभियान की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत किसने की थी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी इकतीस अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में इस अभियान की शुरुआत की गई थी देखिए दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको एकता पुरुष के नाम से जाना जाता है ठीक है एकता पुरुष कहलाते हैं तो सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए इस साल फिर से फरवरी 2020 में इसका आयोजन किया गया ठीक है इसका आयोजन कब किया गया था तो 10 से 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था तो ये अभियान जो है इसकी शुरुआत तो 2015 में की गई थी लेकिन एक बार फिर से इसका आयोजन किया गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता था नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचूर्ण योजना को शुरू किया है तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचूर्ण योजना को शुरू किया है असम राज्य सरकार ने तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा बात यहां पर असम की हुई है असम की राजधानी क्या है दिसपुर असम के मुख्यमंत्री कौन है तो सर्वानंद सोनेवाल और असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है तो जगदीश मुखी जो है ये वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर पंद्रह क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है तो नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है राजस्थान के जोधपुर शहर में तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए दोस्तों नो मास्क नो सर्विस अभियान का उद्देश्य लोगों को मास्क के प्रति अवेयर करना और कोरोना महामारी को कंट्रोल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर सोलह क्वेश्चन है नोकिया की ब्रांड एम्बेसिडर कौन है तो वर्तमान में जो नोकिया कंपनी है इसकी ब्रांड एम्बेस्डर है आलिया भट्ट तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो नोकिया है ये किस देश की कंपनी है तो आप कहेंगे जो नोकिया है ये फिनलैंड देश की कंपनी है किस देश की कंपनी है ये फिनलैंड देश की कंपनी है तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ है 2020 में ठीक है तो फिनलैंड जो है हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर है ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 17 क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया है तो मोक्ष कलश योजना को शुरू किया है आपका राजस्थान राज्य ने तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा देखिए दोस्तों ये जो योजना है नाम से ही हमें लग रहा है मोक्ष कलश योजना तो इसमें क्या होगा इस योजना के तहत परिवार में किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद अस्थियां विसर्जन के लिए निशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा ठीक है बात यहाँ पर हुई है राजस्थान की तो राजस्थान की राजधानी तो सभी लोग जानते हैं जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है ठीक है और जयपुर जयपुर जो है इसको पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है और जो जयपुर है यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुर शहर के संस्थापक कौन है तो महाराजा सवाई जैसा जो हैं ये जयपुर शहर के संस्थापक हैं ठीक है और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो कौन है अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कौन है तो कलराज मिश्र जो हैं ये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं ठीक है ये सारी बातें आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर अठारह क्वेश्चन नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई हैं तो जो क्रिस्टीना कोच हैं इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बना लिया है ठीक है ये कितने दिनों तक तो अंतरिक्ष में रही थी ये दो दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी डी ऑप्शन सही हो जाएगा ये जो क्रिस्टीना कोच हैं इनका नाम आपको याद रखना है और ये नासा की कौन है तो ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं ये आपको याद रखना है और ये कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही तो ये दो दिनों तक अंतरिक्ष में पार पहुंचने वाला दूसरा यान बन गया है वाइजर सेकेंड तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा और सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला तो पहला यान कौन सा बना था पहला व्हीकल कौन सा बना बना था तो आप कहेंगे वाइजर फर्स्ट बना था पहला व्हीकल और वाइज सेकंड बन गया है दूसरा व्हीकल ने नंबर 20 क्वेश्चन है हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस पर सोशल मीडिया पर किसने हैशटैग माय बुक माय फ्रेंड अभियान चलाया था तो देखो दोस्तों ये हैशटैग माय बुक माय फ्रेंड अभियान चलाया था रमेश पोखरियाल ने तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा ये रमी रमेश पोखरियाल कौन है तो ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और देखो दोस्तों इन्होंने ये अभियान चलाया था विश्व पुस्तक दिवस पर तो ये विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है तेईस अप्रैल को ठीक है ये भी आप याद रखेंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर इक्कीस क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है ये किसकी आत्मकथा है तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का विमोचन किसने किया तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है ठीक है और ये किसकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है तो ये के रामकृष्ण राव की ऑटोबायोग्राफी है ठीक है अब ये के रामकृष्ण राव की ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी है तो आप लोग जानते होंगे ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा कौन लिखता है वो व्यक्ति खुद लिखता है तो यदि इसके राइटर पूछे जाएं, तो इसके राइटर कौन है के रामकृष्ण कृष्ण राव ही जो हैं इसके राइटर हैं ठीक है थीके? ये हैं कौन एक्चुअल में तो देखिए दोस्तों ये इंडिया के फेमस वैज्ञानिक हैं और विद्वान हैं साथ में ये लेखक भी हैं ठीक है थीके? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम आर एस पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है तो देखिए दोस्तों स्मार्ट ग्राम योजना का नाम आर एस पाटल के नाम पर रखने की घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा अब ए, ये जो स्मार्ट ग्राम योजना है ये आर एस पाटिल के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा तो ये आर एस पाटिल कौन है तो देखिए दोस्तों ये जो आर एस पाटिल हैं ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे ठीक है और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है तो उद्धव ठाकरे हैं राजधानी सभी लोग जानते हैं मुंबई जो ही है महाराष्ट्र की राजधानी है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ इसको शॉर्ट में AICF कहा जाता है तो AICF का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है तो ए आई सी एफ या फिर अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है अजय पटेल को तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा देखो दोस्तों जो अखिल भारतीय शतरंज संघ है ये क्या करती है तो ये भारत में शतरंज खेलों का आयोजन करवाती है ठीक है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ए आई सी एफ का तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं अखिल भारतीय शतरंज संघ इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों उन्नीस सौ इक्यावन में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई में स्थित है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है तो देखिये दोस्तों इस साल जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है इसमें जो है केरला को पहला स्थान मिला है ठीक है केरला को पहला स्थान मिला है और जो राजस्थान राज्य राज्था है इसको मिला है दूसरा स्थान ठीक है और जो कर्नाटक राज्य है इसको कौन सा स्थान मिला है तो इसको मिला है तीसरा स्थान और यदि हम बात करें कि सबसे निचले पायदान पर कौन सा राज्य रहा है तो सबसे निचले पायदान पर रहा है उत्तर प्रदेश राज्य ठीक है और देखो दोस्तों पहले स्थान पर केरला है तो दो जो दो हजार ग्यारह में जनगणना की गई थी उसमें भी शिक्षा के मामले में पहले स्थान पर कौन था केरला था ठीक है तो इस प्रकार आपको याद भी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा तो देखो दोस्तों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप दो हजार का आयोजन होगा अपने देश भारत में तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा और 2020 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है तो 2023 में इसका तेरहवा संस्करण है ठीक है जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका आयोजन हर चार साल में होता है ठीक है इसका आयोजन हर चार साल बाद होता है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहला आई वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था तो पहला आई वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था उन्नीस में ठीक है और यहाँ पर बात आईसीसी की हम बार बार कर रहे हैं तो जो आईसीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ठीक है हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और ये क्या काम करवाता है तो ये पूरे विश्व में पूरे संसार में क्रिकेट का आयोजन करवाता है ठीक है मतलब ये क्रिकेट का एक वर्ल्ड लेवल का बोर्ड है ठीक है इसकी स्थापना कब की गई थी तो आईसीसी की स्थापना की गई थी 15 जून उन्नीस है, नौ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है यदि पूछे कि वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है तो इमरान ख्वाजा जो हैं ये वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अब अप... अब नेक्स्ट एंड ने लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है आपके लिए चार ऑप्शन भी दिए गए हैं ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था पुरस्कार और सम्मान का वहां से लिया गया है और इस क्वेश्चन में मैंने आपको चार फैक्ट बताए थे एक तो मैंने आपको बताया था कि 2020 में भारत रत्न रत कितने लोगों को दिया गया है दूसरा मैंने आपको बताया था कि पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है तीसरा फैक्ट मैंने आपको बताया था कि पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है और चौथा मैंने आपको फैक्ट बताया था कि पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है तो यदि आप फ्री एजुकेशन से पहले से जुड़े हैं आपने पुरस्कार और सम्मान का जो सेपरेट वीडियो है वो देखा है तो आपको चारों फैक्ट कमेंट करके बताना है जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए क्या करना है कि उनके लिए ये हमारा पुरस्कार और सम्मान का वीडियो देख लेना है ठीक है मैंने बिल्कुल डिटेल में जितने भी इस साल के पुरस्कार और सम्मान है उन सभी को डिटेल में पढ़ाया है और जो इस साल के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं सभी पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं ठीक है ट्रेंडिंग टॉपिक जो करंट अफेयर्स के हैं सभी पर मैंने वीडियो बना दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं प्ले लिस्ट को विजिट करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट की लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप कहीं से भी हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना और इस वीडियो को कम से कम अपने पांच दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हम ऐसा कंटेंट लाते हैं कि वो कॉमन रहता है जो करंट अफेयर्स है वो सभी एग्जाम में पूछा जाता है चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप एस की तैयारी कर रहे हो आप चाहे किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना है उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे आपको वीडियो वगैरह सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो थैंक यू दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जय हिंद जय भारत बंदे मातरम